रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर बच्चों से कर रहे शिक्षक पैसे की उगाही, शुल्क के नाम में ले रहे थे मनमर्जी रेट। बताते चले कि नरकटियागंज प्रखंड के कुंडीलपुर पंचायत राजकीय मध्य विद्यालय 10+2 कुंडीलपुर, इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 420 रुपए के दर से सभी विद्यार्थी से लिया गया। इस विद्यालय के ग्रामीणों द्वारा प्रधानाध्यापक को आरोप लगाते हुए कहा गया कि इस विद्यालय में शिक्षक द्वारा गुटबंदी करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बनाए रखे हैं। बताते चले कि विगत कई वर्षों से इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के चलते मैथ की और साइंस की टीचर को अपनी निजी दुश्मनी के कारण टीचर को भगाने की साजिश रचते हुए इस विद्यालय के पदाधिकारी के पास आवेदन देकर गुहार लगाई है कि टीचर की जान को खतरा है। जब मीडिया के समक्ष पूछताछ करने के उपरांत पता चला कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज महोदय निजी दुश्मनी के कारण इस विद्यालय में 10+2 तक पढ़ाई होती है, जहां मात्र 7 टीचर हैं, जिसमें मैथ और साइंस के एक ही टीचर हैं। शिक्षा जगत के क्या हाल होंगे बताते चलें, बिहार के अधिकतर विद्यालय शिक्षकों की लापरवाही के कारण शिक्षा जगत बदनाम हो रहा है। ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समर कुमार दत्ता, कानूनी जंग न्यूज़ से बेतिया से। आप देखते रहें कानूनी जंग न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह मैसेज सरकार तक पहुँचे। जय हिंद। के लिए हमको गुप्त सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति जो है जिला में आवेदन किया है, वहाँ से कोई चिट्ठी आया है जांच करने के लिए। इसमें कौन सा व्यक्ति हो सकते हैं जो वहाँ जिला में सूचना दिए हमें, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है सर? गांव के कौन कौन कंप्लेनर रही तो हम नहीं बतलाएंगे, लेकिन जिला में जब हम गए थे तो हमको पता चला है, मैंने सुने हैं हम भी, यहाँ के शैक्षिक प्रभारी जुनैद आलम और वित्तीय प्रभारी मोतीलाल साहब, ये लोग गया था जिला। इसके वजह क्या है? मैंने प्रभार से हमको अलग रखना हो, चाहे जो इन लोगों को स्कूल में गुटबंदी बनाने के क्या कारण है, हो सकता है? गुटबंदी नहीं करते हैं। एक तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सबको मिलाकर यहाँ जो है बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है, और आपके स्कूल में ऐसे भी टीचर की कमी है, ऐसे में अगर गुटबंदी होता है तो टीचर के अभाव से यहाँ के बच्चों की जो शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसमें क्या कहेंगे सर? हम कोई गुटबंदी नहीं करते हैं सर, हम आते हैं विद्यालय में और 9-10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा उनसे भी समय निकाल करके नीचे हम 8वीं क्लास में भी आते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं, पूरा तन मन से लगे रहते हैं पठन पाठन में। आप सर किस मैंने के सब्जेक्ट के टीचर हैं सर? हम गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं। इसमें और कोई गणित और विज्ञान के टीचर हैं सर? नहीं है सर। जो सर पर आरोप जो लगा है इसमें क्या कहेंगे सर? सर पर आरोप जो लगा है, सबसे पहले तो आवेदन प्राप्त हो, जब आरोप लगा है तो जांच तो होना चाहिए, जांच होगा तो सारी बातें सामने आ जाएगी जी। सर और विद्यालय में क्या क्या कमियां हैं आपके विद्यालय में? विद्यालय में तो लगभग ठीक ही है जी जी, अभी देख रहे हैं कि और जो बच्चे हैं तो आज बारिश का किसी के कमी से तो गया है। मैं बाद में हूँ, उस समय वही थे। नहीं, उनसे ले लिया गया था, जब वापस हुआ तो उनसे भी ले लिया गया था। वही थे, उनसे भी ले लिया गया। काम शैक्षणिक प्रभारी का नहीं है, आप समझिए। मास्टर के पक्षपाती बात नहीं करें, हमको मतलब इस आप पक्षपाती आपका होता है। आपके कहने से हमको मतलब है कि कौन दिया जाए पर शिक्षक भगाओ अभियान क्यों चल रहा है? और उनका विदाई कराने के लिए आपको तैयार और आपको चलता है सचिव के डायरेक्शन पर चलते हैं, जो कहता है वही हम लोग करते हैं। सचिव विद्यालय का है, आप नहीं ना सचिव विद्यालय का। पब्लिक है ना, हमारा बच्चा इसमें पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। बुढ़िया सब को मतलब बच्चा इसमें पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? इसके पूर्व कितना ले जा रहा था, कितना रुपया ले रहा है? नहीं है, बच्चा रहता तो
सब अभी बच्चा नहीं है, सब अब अकेला सर कहीं नहीं है, सब बच्चा रहेगा वो निकालेगा। 126 छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जानकारी होना चाहिए। हाँ ऐसा सर, हाँ जाति प्रमाण पत्र 340 रुपया के जगह पर 420 रुपया, जाति प्रमाण पत्र जितना भी बच्चा दिया है सबको छूट दिया गया है। 340 रुपया लेना है उस पर 420 रुपया लिया गया, एससी एसटी से 260 रुपया लेना है उससे 420 रुपया लिया गया, इंटर में इंटर में 70 बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें 5600 रुपया एक्स्ट्रा बच्चों से लिया गया है। एक बात बताइए, जो आरोप लग रहा है क्या सर, इसमें क्या कहना कहेंगे सर? बच्चों से कहलवाएंगे सर, जो आरोप हो या कुछ भी हो, अगर जाति प्रमाण पत्र बच्चा देता है तो उस बेस पे छूट मिलता है जी। और इंटर का भी नामांकन हुआ है, जो बच्चे जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं सबको छूट भी मिला है, सबका वैसा रसीद भी कटा है। तो 420 रुपए किस आधार पर लिए हैं सर? 420 रुपया 9 का एडमिशन का है, एडमिशन में उतना लगता है।